every single day. को इटालियन टेस्ट को इंडियन टेस्ट में बना के दिखाएंगे। हमने लिया है दो शिमला मिर्च को हमने छोटा छोटा बिल्कुल काट लिया है बारीक। ये हमारे स्वीट कॉर्न्स हैं रेडीमेड वाले। ये दो प्याज हैं, इनको हमने बिल्कुल पतला पतला काट लिया है। ये गाजर है, इसको भी हमने बिल्कुल पतला पतला काटा हुआ है। ये हमारी थ्री सॉसेस हैं, टोमेटो सॉस, चिली सॉस एंड पिज्जा सॉस। ये थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, ये नमक, ये चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, हर्ब्स एंड ऑरिगेनो, ग्रेटेड मोज़रेला चीज एंड ऑयल। पाव पिज्जा बनाने के लिए हमने ये पाव लिए और इनको हमने अलग अलग टुकड़ों में काट लिया। अब हम ये जो इसकी जो ऊपर की साइड है, इसके अंदर हम नाइफ को, स्पून को या किसी भी चीज को डालकर इसको छेद कर लेंगे। और छेद करने के बाद जो इसके अंदर वो होगा टूटा फूटा हुआ, उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी इसके अंदर स्पेस बन गई। इसी तरह से हम सबको ऐसे ही करेंगे। चाकू लिया, कोई भी शार्प चीज ली, उसके साथ हमने इसको गोल गोल घुमाया और इसके अंदर से जो टुकड़े हैं उनको हम निकाल लेंगे। ये जो हमारे जो टुकड़े बचेंगे ये भी हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे, इसको हम एज ए ब्रेड क्रम्स यूज कर लेंगे। इसको अभी हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब हम ये सॉस लेंगे और इस होल के अंदर हम थोड़ी थोड़ी सॉस डाल देंगे सब पाव के अंदर। ये जो स्टफिंग है, अब स्टफिंग को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से फिल कर देंगे, क्योंकि जितनी इसके अंदर फिलिंग होगी ये बहुत टेस्टी होगा और बच्चों के लिए खाने के लिए भी बहुत हेल्दी है। इसी बार में कितनी सब्जियां चली जाती हैं पेट के अंदर। और इसके ऊपर अब हम ये ग्रेटेड चीज को रखते जाएंगे। ये हमने रख लिया सबके ऊपर। ये हमारा पैन हीट हो गया है और इसके अंदर हम ये जो सारे पाव हैं स्टफ्ड पाव, इनको हम रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। और इसको अब हम लेट के साथ कवर कर देंगे। ये देखिए, चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमारा पाव पिज़्ज़ा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है। इसको पकने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं बस। ये हमारा जो पाव पिज़्ज़ा है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको अब हम निकालेंगे सर्व करने के लिए। और इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े चिली फ्लेक्स डाल देंगे।